नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का बसंत बिहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली और बढ़िया का जो मुख्य पथ है, यानी सिवान सराफरा मुख्य पथ में जो बरौली और बढ़िया का मुख्य पथ पड़ता है, उसी पथ पे हम मौजूद हैं। इस बाढ़ की जो त्रासदी है, आप लोग जो इसका वेग है, जो इसकी शक्ति है, उस इस सड़क से आप लोग उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा इस सड़क का जो भी जो इस तरह की त्रासदी हुई है, जो पूरी तरीके से टूट चुका है, वो एक बार इन लोगों को दिखाएं। आप लोग देख सकते हैं ये सड़क है, एक सड़क को एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये सड़क करीब करीब जो मेन तो है इसका, उससे दो फीट की ऊँचाई पर है। पहले नीचे आप लोग देखेंगे तो लाल कलर का इस पे जो पत्थर है वो दिया गया है, फिर उसके बाद से एक पत्थर दिया गया है, फिर उसके बाद से और फिर उसके बाद से पीच है, यानी तीन चार लेयर ये बनाया गया है। मगर इसको भी पानी का जो बेग है उसको तोड़ने में पूरी तरीके से सफल रहा है। तो एक तरह से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो पानी का बेग है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका बहाव है, वो कितना बेजोड़ रहा होगा। जो बरौली से बढ़िया का पथ है वो पूरी तरीके से एक हम आप लोगों को एक जगह का दिखा रहे हैं और भी जगह का फुटेज के स्तर से हम आप लोगों को दिखा देंगे। ये पूरी तरीके से जो सड़क है उसके पूरब साइड का, आप यहाँ से लेकर और प्रेम नगर कॉलेज तक चले जाइए, बढ़िया से लेकर प्रेम नगर के कॉलेज तक, तो ये पूरी तरीके से जो पूरब साइड का है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। यहाँ पे हम आपको एक चापाकल है, आप लोग देख सकते हैं ये एक चापाकल है। चापाकल जब हम पहले आए हुए थे तो ये चापाकल यहाँ से खिसक कर कुछ इस साइड में था। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे उठाकर, जो इसका चबूतरा है, इसको उठाकर उस साइड में रखे हुए हैं और पत्थर वगैरह भी इस पे लगाए हुए हैं। हालांकि ये जो चापाकल है फ़िलहाल चालू पीरियड में नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग मछली वगैरह पकड़ रहे हैं और ये जो पेड़ वगैरह आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो रास्ते हैं ये पूरी तरीके से कट चुके हैं। जो यहाँ पे एक पोल देख सकते हैं, 11,000 का पोल है, ये उखड़ने तक की परिस्थिति में आ चुका था। लेकिन इस पे कुछ लोग कुछ बालू वगैरह रख कर इसको सही करने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं ये जो बरौली और बढ़िया का सड़क है, इस सड़क की क्या दुर्दशा बाढ़ ने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप इस बाढ़ की जो वेग है, जो इसकी शक्ति है, उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो बहाव था वो काफ़ी था, और जगहों की अपेक्षा अगर हम कहें तो कम ही था। लेकिन फिर भी जो यहाँ से इसका बहाव है, इस बहाव ने इतना क्षति किया है कि एक पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो इस सड़क को, फौलाद रूपी सड़क को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अब देखना ये है कि ये कब तक बन पाता है। तो चलिए दोस्तों, यही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो बाढ़ था ये कितना त्रासदी लाया, और जो सड़क है इसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। तो और वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, कैमरे की नज़र से आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मछली वगैरह पकड़ते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, और प्रेम नगर से लेकर बढ़िया तक पूरी तरीके से इसी तरह की स्थिति है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक सही हो पाता है, हालांकि इसमें तो समय लगेगा ही। और फिलहाल अभी सरकार का जो भी हालात है, वो जो सरकार की अर्थव्यवस्था है उस वो पूरी तरीके से पंचर हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि ये कब तक सही हो पाता है। और जो बाढ़ की भयावता है वो तो आप लोगों को हम अपने माध्यम से कई बार दिखाए हैं, और ये जो सड़क टूट चुका है पूरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मैं मंतोष बढ़िया, चलिए हम फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।